तो इतनी बात हम जान लिए थे। अच्छा अब वही बात फिर से। तो देखो 0 से 5/6 के पहले तक तो वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो अगर 0 से 1 के बीच में लेंगे वैल्यू तो ये 0 ही रहेगा। यहां से लेके 5/6 तक ग्रीन है, जस्ट 5/6 पे हमने ओपन कर दिया। क्यों? जस्ट 5/6 पे ग्राफ जंप कर जाएगा, जस्ट 5/6 पे ग्राफ जो है बेटा वो जंप कर जाएगा। यहाँ पे डार्क है, ठीक है, जंप करेगा कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा 1 पे। अब देखो अब क्या है खेल, अब खेल ऐसा है कि यहां से यहां तक तो ग्राफ क्या है, इनके बीच में है, 1 से 2 के बीच में। अगर 1 से 2 के बीच में है तो 5/2 के पहले तक ग्राफ क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जस्ट 5/2 पे आते ही cos 1 बन जाएगा, मतलब 2 sin 2 बन जाएगा। यहाँ पे एक जंप जंप ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगा, यहाँ पे जंप आएगा, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे वापस से 2 से छोटी होगी वैल्यू, मतलब वापस से ही लाइन पकड़ लेगा, वापस से ही लाइन पकड़ लेगा, ठीक है, वापस से ही लाइन पकड़ लेगा। और 5/6 तक यही रहेगा, 5/6 तक यही रहेगा। जैसे ही 5/6 आगे आओगे कहाँ तक, पाई तक, वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुरंत 0 हो जाएगा। 5/6 पे तो ओपन होगा लेकिन यहाँ तक क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिला डिसकॉन्टिन्यूअस। अब जैसे ही आप पाई से नीचे आओगे, जैसे ही आप पाई से 7/2 हो जाओगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, 0 से नीचे हो जाएगा। जैसे ही 0 से नीचे होगा आपका आंसर होगा -1। तो यहाँ के बाद यहाँ तक तो आंसर -1 होगा, यहाँ ओपन कर दे रहे हैं, यहां से यहां तक आपका आंसर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, यहां से यहां तक आपका आंसर -1 होगा। अब देखो जैसे ही 7/2 से लेके 11/2 तक, 7/2 से लेके 11/2 तक, ग्राफ क्या है, -1 से -2 के बीच में लाई कर रहा है, फिर कॉन्टिन्यूसली -1 होगा, कॉन्टिन्यूसली क्या होगा आपका, -1 होगा। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, और ग्राफ यहीं प्लाई करेगा। लेकिन जैसे यहाँ आएंगे ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 2π तक तो ग्राफ क्या है आपका, 0 से नीचे है, इसलिए आंसर -1 आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन जैसे ही 2π पे आओगे आंसर 0 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ। और कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है देखो, एक तो पहला ब्रेकिंग पॉइंट है 5/6, उसके बाद 5/6 के बाद 5/2 पे एक छोटा सा जंप आया है, 5/2 पे, जस्ट 5/2 पे एक जंप आया है, ठीक है भैया, जस्ट 5/2 पे एक जंप आया है। उसके बाद 5/6 पे ग्राफ ब्रेक हो गया है, 5/6 पर 7/2, 7/2 के बाद फिर कहाँ आया है, नहीं पाई, पाई छूट गया बीच में, पाई भी तो है कि पाई छूट गया, पाई छूट गया, एक पाई छूट गया 7/2 के बाद। फिर डायरेक्ट आया है 11/2, 11/2 के बाद 2π। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट मिला हमको। देर आर 7 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, देर आर 7 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देख लो भैया किसको 8 मिल रहा था, 8वां कहाँ पे है, 8वां कहाँ पे, बार देख लो,
सर जीरो को भी इंक्लूड कर लिए थे सर जीरो बच्चा कल्पना देखो ना, जीरो से लेकर 5/6 तक तो आपका साइन का जो आउटपुट है 2 sin का 0 से 1 के बीच में है ना, कॉन्टिन्यूसली जीरो रहेगा, ब्रेक होगा ही नहीं, जीरो का ब्रेक नहीं हो रहा है, cos जीरो ब्रेक हुआ था, साइन जीरो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो नहीं तो आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछो नहीं तो आगे बढ़े। तो ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन में ऐसे सवाल आते हैं जेई में सवरण कॉन्टिन्यूटी का सवाल, आप अपना मेन बुक लगाइएगा, कोई दिक्कत है बताइएगा, मेन बुक लगाइए, कोई दिक्कत आए तो बताइए भैया, कोई दिक्कत है तो बताइए। बढ़िया सवाल था सर, अच्छा मजा आया, अभी तो ये अभी और अच्छे सवाल है बेटा शिवांगी, हाँ धीमे धीमे हम लोग एंटर कर रहे हैं, चलो अच्छा लगा, अगर सवाल पढ़ देख के मजा आ रहा है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, चलो ठीक है, धन्यवाद 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 सुमित बेटा, बाय सर। हाँ बाय, अरे मैं रख नहीं रहा हूँ, अरे सर आप अभी अगला सवाल ले, आलसी मैं तो कहा ही था, अविनाश बेटा अभी जा नहीं रहा हूँ मैं, अभी मैं बोला था एक मीटिंग लूंगा ना, तो अभी इस मीटिंग को चलने दो, इस मीटिंग को चलने दो, इस मीटिंग को चलने दो, हाँ हेलो। वाईफाई अब सेटिंग में जाओगे वहां पर नेटवर्क रिफ्रेश करने का ऑप्शन आता है, तो वहां से करोगे तभी हो जाएगा, अब या तो फिर एक काम करो कि दूसरे मोबाइल में जूम इंस्टॉल करो, क्या बताएं बेटा, हाँ आज बायो की क्लास है वैभव सर की, देखो कोशिश करो कोशिश करो, और कल हमने एक्स्ट्रा क्लास रखा है संडे को बेटा, ठीक है टाइम अभी डाल देंगे, टाइम नहीं डाले, अरे सर बता दीजिएगा आप, ओहो हो सही दिक्कत है, ठीक है आप आपको हम फोन करवा देंगे बेटा, चलो ओके बच्चा, वह एक पार्श्वनाथ नाम का लड़का नया है क्लास 7th में, हाँ थोड़ा सा गियर ले लेना जिसको, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, निर्मित कह रहा है सर 11th में, क्या चल 11th में मैं इनइक्वालिटी ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही आज पढ़ाया हूँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कैसे कैसे रखते हैं सवाल, मैंने क्लास 12th में भी बेसिक इनइक्वालिटी के लेक्चर डाल दिए हैं आज तुम लोग के ग्रुप में, अगर चाहो तो देख सकते हो जिसका इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं सारे ही, धीमे धीमे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आज भी मैंने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आज का भी मैं लेक्चर डाल दूंगा, आप लोग को 11th 12th दोनों साथ में पढ़ा दूंगा, तो ऐसा फायदा ही होगा ना कि जो 11th नहीं पढ़ पाए थे या कुछ टॉपिक छूट गया था वो हमसे कवर कर लेंगे और मजबूत हो जाएंगे हमसे। अच्छा एक सवाल देना चाहता हूँ, करिएगा आप लोग एक सवाल करिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
क्या सर, अभी तो एक हो ही नहीं रहा था, दो जोड़ के दे दिए हैं। इजी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स वाई है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, बताइए कितना आएगा भाई पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी। ग्राफ भी अगर हो सके तो ड्रॉ कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो ग्राफ भी ड्रॉ कर दीजिएगा। हाँ, डिस्कस पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी पीओडी विथ ग्राफ, डिस्कस पीओडी विथ ग्राफ। सारे लोग डिस्कस पीओडी विथ ग्राफ, पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी विथ ग्राफ। तो भैया नव्या का आंसर है सर 6 पॉइंट्स। अच्छा और बताइए, तो पहले इसको एक फंक्शन बनाओ, कॉमन फंक्शन, साइन और कॉस को मिलाओ तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है भैया, जाएगा रूट टू कॉस पाई बाई फोर
cos x sin pi by 4. ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये बन जाएगा। तो बढ़िया अविनाश, 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक पहुंचे हो, ठीक पहुंचे हो। देखते हैं कितना सही है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। मात्र 4 पॉइंट है सुधांशु का आंसर। चलिए कोई भी सही हो सकता है इसमें से, पता नहीं कौन सही है, आइए देखते हैं। देखो यार, अब साइन में कुछ भी ले लो, थीटा एक्स प्लस पाई बाई फोर चाहे 1 करोड़ ले लो, कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में। तो अब साइन में वो एक्स प्लस पाई बाई फोर लोगे तो ये भी क्या होगा आपका, माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगा। बस रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे, हमने मल्टीप्लाई करो रूट टू से, ये रूट टू हो जाएगा। रूट टू हो जाएगा। अच्छा तो माइनस रूट टू से रूट टू के बीच में मतलब कितने इंटीजर आएंगे, इसका मतलब कितने इंटीजर आएंगे। माइनस रूट टू मतलब माइनस 1.414 से लेके रूट टू 1.414 तक होगा। कितने इंटीजर आएंगे, माइनस 1, 0 और 1 यही आएगा, क्यों यही आएगा। लेकिन माइनस 1.14 पे भी तो माइनस 2 बन जाएगा ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 1 देखो माइनस 1.414 से माइनस 1 ओपन और ये क्लोज कर दो, यहां से यहां तक की वैल्यू अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लोगे तो आंसर माइनस 2 आएगा बेटा। तो आपका एक माइनस 2 मिलेगा, एक माइनस 1 मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। ठीक है, इतनी वैल्यूज मिलेंगी। तो कब कब आपको मिलेगा, देखो जब जब आप माइनस रूट टू से रूट टू के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, माइनस रूट टू से रूट टू के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये है आपका माइनस वन और वन, रूट टू कहाँ होगा इसी ऊपर थोड़ा सा, रूट टू और माइनस रूट टू यहीं कहीं होगा, माइनस रूट टू। ठीक है भैया, और ये वन है, ये वन है, माइनस वन है, माइनस रूट टू है, जीरो से टू पाई जाना है ना, पाई बाई टू, पाई पाई पास में हो गया और दूर करते हैं, पाई 3π/2 और आपका आएगा फिर 2π।
ठीक है भैया, ऐसा हो जाएगा। देखो अच्छा, हमको इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा सोच रखना। जब x आप 0 से 2 पाई ले जाओगे तो x प्लस पाई बाई 4 क्या होगा? x यदि आपका 0 से 2 पाई में है तो पाई बाई 4 जोड़ दो, क्या जाएगा आपका? ये पाई बाई 4 से 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तो जाएगा, क्यों 2 पाई प्लस पाई बाई 4 तो जाएगा। तो जस्ट 0 पे क्या होगा? यहाँ देखो x 0 रखोगे तो साइन क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, और रूट 2 1 हो जाएगा, तो 0 पे 1 रहेगा साइन, ठीक है, 0 पे 1 रहेगा। x के लिए पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 मतलब 1 इंटू रूट 2, रूट 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 यहीं कहीं आएगा, पाई 4 यहीं कहीं आएगा। और यहाँ पे हमें एक मिनट चाहिए, एक मिनट में लूंगा, अब तो ध्यान दो। क्रिस बेटा, बच्चों का जरा फोन आ रहा है, जरा ग्रुप में मीटिंग इन्फो डाल दो, तो आईडी पासवर्ड, मीटिंग मीटिंग इन्फो पूरा लिंक डाल दो और आईडी पासवर्ड भी डाल दो। तो बच्चों, बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जल्दी 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 डालो आगे बढ़े। डाल दिए हैं सर। अच्छा, बेटा ग्रुप पे लिंक पड़ गया है, कॉपी कर लो और वहां से आ जाओ। एक मिनट यार, कहाँ परेशान है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहे हैं कि 0 पे तो 0 है और पाई बाई 4 पे क्या है? जब पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, पाई बाई 4 पहले रूट 2 है, यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा, पाई बाई 4 पे आपका ऐसा हो जाएगा। जब पाई बाई 2 पे क्या होगा? 90 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, अगर पाई बाई 2 रखोगे तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा।
रूट टू से मल्टीप्लाइड है, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई रूट टू इंटू रूट टू वन हो जाएगा फिर से, मतलब ग्राफ यहीं पे आके फिर मिल जाएगा। आई वो टू पे भी वन हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब एक्स के लू थ्री पाई बाई फोर रख लो, जब थ्री पाई बाई फोर रखोगे तो थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर या क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, तो मतलब जीरो हो जाएगा, ये जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी। कहाँ पे, थ्री पाई बाई फोर पे, ठीक है। पाई पे क्या होगा, पाई रखो तो पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा तो माइनस वन हो जाएगा, हाँ पाई पे वैल्यू क्या जाएगी, माइनस वन हो जाएगी पाई पे। आपका जो ये वैल्यू है ये माइनस वन हो जाएगा, ये स्लोप बिगड़ गया थोड़ा सा। पाई पे माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और यही आएगा आपका फाइव पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर आएगा। फाइव पाई बाई फोर अगर रखोगे तो फाइव पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना आएगा, सिक्स पाई बाई फोर, सिक्स पाई बाई फोर मतलब थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू पे साइन माइनस वन होता है तो रूट टू से मल्टीप्लाई माइनस रूट टू हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रूट टू हो जाएगा। माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है, और थ्री पाई बाई टू पे वापस माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ आपका आएगा सेवन पाई बाई फोर, सेवन पाई बाई फोर, ठीक है, सेवन पाई फोर पर टू पाई मतलब वापस यहाँ पे आकर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन, और फिर टू पाई रखोगे तो टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा, और तो फिर से साइन पाई फोर मतलब वन बाई रूट टू, रूट टू वन बन जाएगा, यहाँ आकर के ग्राफ फिर ऐसा बन जाएगा, यहाँ आके सिमट जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, पाई बाई फोर से शिफ्ट हो गया है। तो फिर हम वही बनाएंगे, देखो भैया, तो जस्ट जीरो से पाई फोर तक तो ये वन रहेगा, जैसे ही पाई फोर पाओगे जंप करके रूट, नहीं नहीं ये वन ही रहेगा ना, क्योंकि रूट रूट टू भी क्या होता है, वो तो फ्रैक्शन ही होता है ना, वन से टू के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये हम तो कह रहे हैं जीरो से लेकर पाई बाई टू तक ये ग्राफ स्ट्रिक्टली वन रहेगा, जीरो से पाई बाई टू तक ग्राफ वन रहेगा, क्योंकि रूट टू का भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, वन ही होगा ना, तो ग्राफ जंप नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे आओगे तो वैल्यू वन से छोटी जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्या है, पाई बाई फोर, टू पाई फोर, थ्री पाई फोर, थ्री पाई फोर, तो यहां से यहां तक ग्राफ जीरो रहेगा, ठीक है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, आपका ग्राफ क्या रहेगा, जीरो रहेगा। थ्री पाई बाई फोर से पाई तक जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैल्यू नेगेटिव है, माइनस वन हो जाएगा, कहां तक, यहां से यहां तक माइनस वन रहेगा, पाई तक माइनस वन रहेगा बेटा। अब जैसे ही आप यहां से लेके यहां तक तो जाओगे, माइनस वन से नीचे, माइनस वन से नीचे, माइनस वन से नीचे का तो समझते क्या होता है, जैसे ही माइनस वन से नीचे जाओगे वैल्यू माइनस टू हो जाएगी, ये कहां से अटक गया भाई,
यही कहीं होगा माइनस टू। माइनस टू ठीक है भैया। तो जैसे ही आप पाई से थ्री बाई टू बीच में रहोगे वैल्यू क्या होगी, माइनस वन छोटा जैसे ही होगा आउटपुट क्या आएगा, माइनस टू आएगा डायरेक्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे ही माइनस वन छोटा लेते हैं इनपुट, तो आउटपुट आपका जाता है माइनस टू। कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आपका आउटपुट क्या रहेगा, माइनस टू रहेगा, माइनस टू रहेगा ठीक है। यहाँ तक माइनस टू रहेगा, जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो तुरंत माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ तक माइनस वन ही रहेगा। यहाँ से जंप लेगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगा, लेकिन टू पाई पे जस्ट वन हो जाएगा। टू पाई पे एक जंप और लेगा और ये वन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इंटीजर वैल्यू ले रही है। तो कितना ब्रेकिंग पॉइंट आया, ब्रेकिंग पॉइंट कितना आया, पहला तो आया आपका पाई बाई टू पे, पहला आया पाई बाई टू पे, फिर थ्री पाई बाई फोर पे, फिर पाई पे, फिर पाई पाई बाई फोर, फिर नहीं फाइव पाई फोर पे नहीं आया ना, पाई के बाद फाइव पाई फोर पे नहीं आया, थ्री पाई बाई टू पे आया, थ्री पाई बाई टू पे, यहाँ के बाद यहाँ आया ना, उसके बाद सेवन पाई बाई फोर पे, उसका टू पाई पे, एक दो तीन चार पाँच छ, छ पॉइंट मिल रहा है। एक मिनट, जीरो पे भी तो मिलेगा, क्योंकि जीरो पे देखो, जीरो पे आंसर नहीं, जीरो पे तो नहीं मिलेगा ना यार, क्योंकि जीरो लेने पे पाई फोर है रूट टू, तो वन मिलेगा आपका से लेके पाई बाई फोर तक रूट टू ही रहेगा। हाँ, तो जीरो पे नहीं मिलेगा, जीरो पे नहीं मिलेगा ठीक है, जीरो पे नहीं मिलेगा। तो ये छह वैल्यू होगी आपकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, छह पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। कितने लोग का छह था, छह वाले सही हैं, छह वाले सही हैं। अविनाश त्रिपाठी सही हो, सुमित ठीक है, निर्मित, नव्या गुड ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज की क्लास यहीं रोक देते हैं। आज हम लोगों ने तीन बड़े बड़े सवाल किए हैं, आज हम लोगों ने तीन बड़े बड़े सवाल किए हैं, और अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ और फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, सिग्नम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, हाँ इन सब के बारे में बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ठीक है। और उसके बाद हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, और टॉपिक स्टार्ट होगा इसी चैप्टर में, डिफरेंसिबिलिटी ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ, किसी कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो हमसे मैसेज करके पूछ लेगा, और क्लास यहीं टर्मिनेट करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।